रेलवे के जीआरएम पहुंचे गुना, यहां उन्होंने रेलवे स्टेशन का जायजा भी लिया, वहीं यहां की व्यवस्थाएं भी देखी। वहीं यात्री संगठन के लोगों ने भी उनसे मुलाकात की और रेलवे यात्रियों की समस्याओं के बारे में भी बताया। रेलवे प्लेटफॉर्म एवं रेल परिसर में धूम्रपान कर रहे हैं, ऐसा करने पर जुर्माना हो सकता है। कृपया गाड़ियों रेल भाई लीक किसके लिए करेंगे यार, ज्यादा ज्यादा हम लोगों के लिए करेंगे। लगे ही नहीं कोच गार्डन है नहीं। गाड़ी की जानकारी के लिए मशीन लगी हुई है सर, वो भी बंद पड़ी रहती है सर, उसका भी कोई मतलब वो नहीं रहता। और सर गुना के लिए कोच गार्डन था, प्लानेट होटल में होनी बाकी बात सर। दूसरा सर, गुना से रात के 3 बजे के बाद सुबह 10:40 पर गाड़ी, जबकि सर राजधानी है यहाँ पर, तो यहाँ से सुबह के लिए कोई गाड़ी नहीं है। 8 बजे कोई 8 बजे ऐसी गाड़ी हो जो 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाए तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी सर। या चाहे सर ऐसा मेमो हो या किसी प्रकार की ऐसी वो हो तो लोगों की बड़ी राहत मिल जाएगी सर। और एक ही है यहाँ की लाइफलाइन गाड़ी है 5689, जिसको कभी भी बंद कर दिया जाता है सर। इतनी परेशानी होती है, अभी भी बंद है सर, 1 महीने भी बंद है सर। मार्जिन बनाएगा ना उसको रोक के, हमारे गुनाह के लिए सर एक ही गाड़ी है, वही गाड़ी हमेशा बंद होती है। उससे और जिससे सर बच्चे तक मतलब छोटे छोटे बच्चे होते ना सर गाँव में पढ़ने जाते हैं वहाँ, हाँ वहाँ बस का कोई साधन नहीं है सर। बहुत बड़ी परेशानी, 8 बच्चे खड़े हुए तो रात को 8 बजे पहुंच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और मैं आपका है तो मैं वीडियो आपको बताऊंगा, सारी व्यवस्था है। बिल्कुल तो गाड़ी का तो प्रॉब्लम, पर उसका क्या होगा, अब मेंटेनेंस में मार्जिन निकालेंगे, वही गाड़ी बचती ना। जीएम साहब आए थे, आपने क्या क्या समस्या उनके सामने रखी? जीएम से आज मुलाकात हुई, रात को फ़ोन करने के बाद उन्होंने आज टाइम दिया था 8:30 बजे मिलने का। तो सबसे पहले गुना में तो हमने 5168 5169 गाड़ी जो है यहाँ की इस क्षेत्र की लाइफलाइन गाड़ी है उसके बारे में लोगों की समस्याओं को बताया कि इस गाड़ी को बार बार बंद कर दिया जाता है, कहीं भी कुछ होता है उसको बंद कर दिया जाता है, इस गाड़ी को कंटिन्यू चलाएं। दूसरा ये है कि यहाँ पर विकलांगों के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाने के लिए कोई रैंप की सुविधा नहीं है, जहाँ के वहाँ परिजन लोग उनके उनको टांग टांग कर वहाँ पर ले जाते हैं, जिससे काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, इसलिए इस रैंप की व्यवस्था की जाए। तीसरा कारण हमारा ये था कि जो गुना में बरसों से बना हुआ है फुटब्रिज, वो आज वर्तमान की भीड़ के हिसाब से नहीं है, इसमें कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है जो बम्बई हादसे को दोहरा सकती है। इसलिए हमने ये उनसे निवेदन किया है कि इस फुटब्रिज को लंबा किया जाए, चौड़ा किया जाए, जिससे आज के क्राउड के हिसाब से वो फुटब्रिज बन सके। चौथा हमारा था कि ये यहाँ पर जो डिस्प्ले लगे हैं, डिस्प्ले जो चलते नहीं हैं, हजारों लाखों की मशीनें लगी हुई हैं जहाँ पर वो गाड़ियों की सूचना देते हैं, चतुर्थ कर्मचारी को बिठा दिया जाता है, अभद्र भाषा का यूज करके उन्हें बताया जाता है, जिससे यात्रियों को समझ में नहीं आती भाषा की कौन सी गाड़ी कहाँ पर आ रही है, जिससे काफ़ी परेशान होते हैं। ऐसी हमने उनको ये बातें बताई। तीसरा हमारा था कि मुंगावली में काफ़ी भीड़ होती है और एक ही अप डाउन गाड़ियों का समय है जाने जाने का, क्योंकि क्या है वहाँ पर एक ही विंडो चलती है, एक विंडो होने के नाते से कई यात्री ऐसे होते हैं जो बिल्कुल विदाउट यात्रा करते हैं, रेलवे को लाखों का नुकसान होता है। इसलिए मैंने उनको निवेदन किया कि वहाँ पर EVM मशीन वहाँ पर होना चाहिए, जिससे यात्रियों को समय पर टिकट मिल सके।